नियोजित शिक्षक के दौरान नियमित शिक्षक को प्रभार नहीं देने व कुव्यवस्था के विरुद्ध ग्रामीणों ने विद्यालय में जड़ा ताला। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के बसा पंचायत के जट्ठी गांव स्थित उत्कर्मीय मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने तालाबंदी कर पठन पाठन को बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के प्रभारी शिक्षक दिनेश पासवान विभागीय आदेश का अवहेलना कर विद्यालय के नियमित शिक्षक को प्रभार नहीं सौंप रहे हैं। विद्यालय में दो शिक्षक के बीच प्रभाव को लेकर पिछले कई वर्षों से मामला चल रहा है, जिसके कारण पठन पाठन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। बावजूद भी नहीं तो विभागीय कार्रवाई हो रहा है, नहीं तो शिक्षक द्वारा प्रभार दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वर्तमान प्रभारी के द्वारा जब तक नियमित शिक्षक को प्रभार नहीं दिया जाएगा तब तक विद्यालय में तालाबंदी रहेगा। वही सभी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग विद्यालय के कार्यालय पर बैठकर धरना दे रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजन कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग के द्वारा वरीय शिक्षक को प्रभार देने का आदेश कर दिया गया है, फिर भी प्रभाव नहीं देता है तो उनके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा। इस मौके पर मुखिया जीवत साहू, सुरेश महतो, सुरनाथ चौधरी, लक्ष्मण यादव, प्रेम यादव, प्रशिक्षण सहनी, सुवेद महतो, सुधीर यादव, दिनेश यादव, राम नारायण यादव, राम सागर राम, श्याम राम, राम बाबू यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 2, मैं यहाँ का मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं लेकिन ग्रामीण जो है मैं बोल रहा हूँ कि इस विद्यालय में जो है जितना भी घोटाला हुआ है, ये जो आप सामने पड़ा हुआ है चापाकल है, जो चापाकल सही से नहीं चल रहा है, इसमें जो भवन है भवन में सही से नहीं चल रहा है, जहाँ तक विद्यार्थी का जो 50 विद्यार्थी का हाजिरी बढ़ता है, 200 विद्यार्थी का MDM बनता है, छात्रवृत्ति में भी वैसे होता है, जो उसका साइड का जो मास्टर्स जो है दिनेश बासवा जो हेड मास्टर यहाँ का जो प्रभारी थे वो राजनीति कर रहा है कि जो विद्यार्थी स्कूल में नहीं आता कन्वेंट में पढ़ता है उसका भी पैसा देता है, और मान लीजिए जो 2 खेमे में बांट दिया गया है।